गाइस आज की सुड में हम बात करने वाले हैं इंडिया की टॉप 10 सुपर बाइक क्रैशेस के बारे में। इनकी प्राइस सुनकर तो आपके होश उड़ जाएंगे और इनका एक्सीडेंट एंड क्रैश देखकर आप दंग रह जाओगे। तो अगर आप भी सुपर बाइक्स लवर्स हैं तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, और आपने अभी तक के हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी जरूर कर ले। तो आइए वीडियो को करते हैं शुरू। नंबर 10 पर आते हैं ट्विंटो टर्टल्स। ये एक मोटो ब्लॉगर है जो तमिलनाडु के रहने वाले हैं। इनके चैनल पर आज 4.5 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इनका नाम वैकुंठा वैसन है। इन्होंने 1 ईयर पहले एक ब्रांड न्यू सुजुकी हायाबुसा परचेस की थी, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आज हायाबुसा कई मोटो ब्लॉगर एंड राइडर की ड्रीम बाइक है, लेकिन बदकिस्मती से इनका इस हायाबुसा के साथ खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। ये विली मारते हैं, लेकिन बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से ये इस गड्ढे में गिर जाते हैं, जिसकी वजह से हायाबुसा टोटल लॉस हो जाती है। लेकिन वसन ने राइडिंग किट पहनी हुई थी, जिसकी वजह से इनकी जान बच जाती है। लेकिन इन्हें फिर भी काफी हाथ और पैर पर चोट वगैरह आई हुई है। और मैं आपको बता दूं, आज हायाबुसा का ऑन रोड प्राइस अप्रोक्स इंडिया में 22 लाख रुपीज है। नंबर 9 पर आते हैं सूरज वर्मा। सूरज वर्मा भी एक मोटो व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। सेकंड चैनल लीगल बंजारा, जिस पर 300 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। आप लोग शायद इन्हें जानते ही होंगे, जो एक डेली मोटो व्लॉगर है। इनके बाइक कलेक्शन में कई सुपर और एक्सपेंसिव बाइक शामिल है, और अभी हाल ही में इन्होंने एक BMW S1000RR भी परचेस की है। उन्हीं में से एक कावासाकी निंजा ZX10R भी ओन करते थे, लेकिन बदकिस्मती से इनकी ZX10R का भी एक्सीडेंट हो गया था अभी कुछ मंथ पहले, लेकिन ऊपर वाले के क्रम की वजह से इनकी जान बच गई। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इनकी ZX10R की कंडीशन जो टोटल लॉस हो चुकी है, जिसमें काफी नुकसान भी हो चुका है, और ZX10R का प्राइस अप्रोक्स 20 लाख रुपीज है। नंबर 8 पर आते हैं राइडर एक्स। ये एक मोटो व्लॉगर है जो संडे राइड पर निकलते हैं, जिसमें कई सुपर बाइक्स होती है। उसी में से एक ब्लैक कलर की टॉप मॉडल हायाबुसा भी होती है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये हाईवे पर ओवर स्पीड होते हैं, और आगे थोड़ी दूर जाकर बाइक का बैलेंस बिगड़ने की वजह से वो डिवाइडर में हिट कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है। बाइक आप देख सकते हैं कितनी दूर पर पड़ी हुई है और इनकी बॉडी कहाँ पर है, लेकिन इनकी जान बच जाती है क्योंकि ये सेफ्टी किट वगैरह का यूज किए होते हैं। और आप कंडीशन इनकी हायाबुसा की देख ही सकते हैं, जिसमें काफी डैमेजेस आ चुके हैं। नंबर 7 पर आती है डुकाटी पनिगले V4। आज के समय में कई ऐसे लोग हैं जो डुकाटी पनिगले V4 को पसंद करते हैं, और कई राइडर एंड मोटो ब्लॉगर के ड्रीम बाइक भी है। इस बाइक का प्राइस इंडिया में ऑन रोड अप्रोक्स 20 लाख रुपीज से लेकर 40 लाख रुपीज तक है। लेकिन इस डुकाटी पनिगले V4 के साथ भी खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो गया है। ये एक्सीडेंट बैंगलोर का है, जो कि ट्रैक रेस पर होता है। ये टर्न लेते हैं, लेकिन बाइक स्लिप हो जाती है, जिसकी वजह से डुकाटी V4 पूरी तरह से टोटल लॉस हो जाती है। आप स्क्रीन पर देख ही सकते हैं, इस बाइक के एक एक पार्ट्स हवा में उड़ जाते हैं। नंबर 6 पर आती है यामा R1। ये बाइक भी आज आप लोगों को कई राइडर्स के पास देखने को मिलेंगी, जिसका प्राइस अप्रोक्स 20 लाख से 25 लाख रुपीज तक के जाता है, जो 284 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आप इसे भगा सकते हैं, जिसमें 998 सीसी का इंजन मिलता है। लेकिन ये यामा R1 का एक्सीडेंट भी देख लेते हैं। ये एक्सीडेंट चेन्नई का है, जिसमें R1 वाले भैया इटियोस को सामने से हिट कर देते हैं। लेकिन इसमें गलती किसकी होती है पता नहीं, लेकिन यामा R1 पूरी तरह से टोटल लॉस हो जाती है, जिसमें काफी नुकसान भी हो जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। नंबर 5 पर आते हैं द यूके 07 राइडर। आज इन्हें किसी भी तरह के कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। बाबू भैया इंडिया के नंबर 1 मोटो ब्लॉगर की लिस्ट में शुमार हो चुके हैं। इनके चैनल पर आज 7.6 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, और दिन ब दिन इनकी फैन फॉलोइंग बहुत ही से बढ़ते ही जा रही है। इनके पास भी आज कई करोड़ों का सुपर और एक्सपेंसिव बाइक का काफी तगड़ा कलेक्शन है। उन्हीं में से इनके पास BMW 1250 GS और हायाबुसा होती है।
है जो उड़ीसा राइड पर इसे लेकर निकलते हैं। जिस होटल में ये रुकते हैं वहीं नाइट के वक्त तो कुछ लोग इनकी बाइक के साथ छेड़छाड़ करते हैं और उसको गिरा भी देते हैं, जिसकी वजह से इसमें काफी नुकसान भी आ जाता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी। इसके अलावा इनके पास और भी कई बाइक्स है जिसके साथ छोटे मोटे एक्सीडेंट क्रैशेस हो चुके हैं। नंबर 4 पर आते हैं आमिर माजिद। आमिर माजिद आज इंडिया के टॉप मोटो ब्लॉगर में से एक है। इनके पास भी आज कई एक से बढ़कर कार्स एंड बाइक का कलेक्शन है। इनके चैनल पर आज 690 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। इससे पहले इनका 2 मिलियन वाला चैनल सस्पेंड हो चुका है। मैं आपको बता दूं, आमिर माजिद के साथ भी कई छोटे मोटे क्रैश एंड एक्सीडेंट होते रहते हैं, लेकिन 1 ईयर पहले आमिर माजिद ने एक BMW S1000 RR की डिलीवरी ली थी और उसके बाद इसको इन्होंने अलग से मॉडिफिकेशन एंड कस्टमाइज भी करवाया हुआ था। आमिर माजिद राइड पर निकलते हैं जिसमें कई राइडर्स होते हैं, जैसे आलियन व्लॉग्स, जन्नू मोटो व्लॉगर्स। हाईवे के एक साइड से कार वाले भैया अचानक से टर्न लेते हैं, जिसकी वजह से आमिर माजिद का बाइक का बैलेंस बिगड़ जाता है और वो डिवाइडर से हिट कर देते हैं। और आगे जाकर जब वो रुकते हैं देखते तो बाइक में काफी डैमेजेस आ जाते हैं और इसके गियर्स भी टूट जाते हैं, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और आप सभी को पता होगा आज कई लोगों की BMW S1000 RR ड्रीम बाइक बन चुकी है, जिसका प्राइस अप्रोक्स 35 लाख रुपीस तक के पहुंच गया है। नंबर 3 पर आते हैं करण सहगल। करण सहगल को तो आप सब जानते ही होंगे, ये भी एक व्लॉगर है। इनके चैनल पर आज 800 के प्लस सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। करण सहगल का बहुत दिनों पहले हायाबुसा से एक्सीडेंट हुआ था, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जिसमें इनकी ब्रेक सही टाइम पर नहीं लगती है और वो कार में जाकर भिड़ जाते हैं, जिसमें हायाबुसा का काफी नुकसान हुआ था। लेकिन करण सहगल को ज्यादा चोट वगैरह नहीं लगी थी क्योंकि वो सेफ थे और राइडिंग किट भी पहने हुए थे। और मैं आपको बता दूं, इनके पास आज कई करोड़ों का कार्स का कलेक्शन भी हो चुका है। उसके बाद नंबर 2 पर आते हैं प्रो राइडर 1000, जिसे आप प्रो राइडर 1000 के नाम से जानते थे। असल में उनका रियल नेम अगस्त चौहान था। ये एक मोटो ब्लॉगर थे जो अब हमारे बीच नहीं रहे। आप सभी को इनके चैनल के बारे में पता ही होगा या आपने कभी ना कभी तो इनके वीडियोस को जरूर वॉच किया होगा। इनके चैनल पर 2 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और इनकी फैन फॉलोइंग दिन ब दिन बहुत तेजी से बढ़ती ही जा रही थी। 1 ईयर पहले इनका भी कावासाकी निंजा ZX-9 से एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें ये अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। ऐसा बताया जाता है कि ये ओवर स्पीड करते हैं और 300 प्लस की स्पीड से ये हाईवे पर भगाते हैं और शायद कुछ वजह से इनका एक्सीडेंट हो जाता है और वो जाकर डिवाइडर के साइड में पड़े होते हैं और उनकी जान चली जाती है और इनकी ZX-9 टोटल लॉस हो जाती है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख ही सकते हैं। नंबर 1 पर आते हैं जयत प्रभजोत। इन्हें तो आप सब जानते ही होंगे, ये भी आज इंडिया के टॉप मोटो ब्लॉगर में से एक है। इनके चैनल पर आज 4.3 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और अभी हाल ही में जयत प्रभजोत पाजी ने 2024 की टॉप मॉडल हायाबुसा की भी डिलीवरी ली है, जिसे आप अभी स्क्रीन पर देख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, इनके पास और भी कई एक से बढ़कर एक बाइक का कलेक्शन है। इनके पास आज कई करोड़ों का कार्स एंड बाइक का कलेक्शन हो चुका है, जिसमें कई एक से बढ़कर एक सुपर बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उन्हीं में से इन्होंने 1 ईयर पहले कावासाकी निंजा H2 ली थी और वो इसे लेकर नेपाल राइड के लिए निकल गए थे, लेकिन बदकिस्मती से इनका खतरनाक वाला एक्सीडेंट हो जाता है। वो 73 ईयर ओल्ड मैन को हिट कर देते हैं और वो मैन की जगह पर डेथ हो जाती है और इनके दोनों पैर में चोट वगैरह लग जाती है, लेकिन धीरे धीरे वो रिकवर भी हो गए हैं। और मैं आपको बता दूं, कावासाकी निंजा H2 का प्राइस इंडिया में 45 लाख रुपीस से लेकर 60 लाख रुपीस तक के पहुंच गया है और आप इनकी कावासाकी निंजा H2 को देख सकते हैं, जो कि टोटल लॉस हो चुके हैं, जिसमें कई लाखों रुपए का नुकसान हो चुका है। तो आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना आप इनमें से किस व्लॉगर से या राइडर के फैन हैं और आपकी फेवरेट या ड्रीम बाइक कौन सी है, वो भी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताना। जब तक के दोस्तों, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। लव यू ऑल, बाय।